हेलो गाइस, आई एम नूर फिशान सिद्दीकी। आज मैं फिर वीडियो लेकर आई हूँ ट्रेलर ट्रक ड्राइवर्स के लिए, लिथुआनिया टीआरपी के लिए ही। बट आज हम बात करेंगे लाइसेंस को लेके। सो अगर आप लिथुआनिया जाना चाहते हो तो आपका जो लोकल लाइसेंस है वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, अपने ही लाइसेंस को कन्वर्ट कराना है IDP में। बेसिकली आपको अपने ही कंट्री से अपने लाइसेंस की ट्रांसलेशन कॉपी बनवानी पड़ती है, विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। सो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वो कोई अलग से आपको लाइसेंस इशू नहीं करते, वो आप ही के लाइसेंस की एक ट्रांसलेशन कॉपी होती है कि बाकी के कंट्रीज़ वाले उसे उसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, बुकलेट फॉर्मेट में होता है और उसमें बाकी के कंट्रीज़ वालों के हर तरीके की लैंग्वेज में होता है। तो उसमें क्या होता है कि उस वो लोग पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि जहाँ से आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होता है वही अथॉरिटी आपकी IDP इशू करती है। तो उससे क्या होता है, वो रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो इसीलिए आपको जो IDP होता है वो अपने उन्हीं मोटा फेडरेशन वालों से या फिर RTOs से, मैं बात करूँ इंडिया में, वहाँ से अप्लाई करना पड़ता है। तो IDP ट्रेलर ट्रक ड्राइवर्स के लिए कौन कौन से मार्किंग ज़रूरी होती है वो समझ लेते हैं। बहुत सारी मार्किंग होती है, राइट, ABCDE। तो जो हैवी लाइसेंस होते हैं, आपको हैवी लाइसेंस चाहिए होता है बिकॉज़ आप ट्रक ड्राइवर्स हो, ट्रेलर ड्राइवर्स हो। तो हैवी लाइसेंस वालों के लिए, ट्रेलर ट्रक ड्राइवर्स के लिए, सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर क्या चेक करेगा कि आपके जो लाइसेंस है उसकी मार्किंग सी और ई मार्किंग है या नहीं। तो आपके पास सी और ई मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ट्रेलर ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये मैंडेटरी, राइट। सो अगर आपको IDP से रिलेटेड और कुछ जानना है कि आपको कौन सी कंट्री का IDP किस अथॉरिटी से अप्लाई करना है या कैसे अप्लाई करना है, कैसा होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।